हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पुट ऑप्शन क्या होता है और कॉल ऑप्शन क्या होता है, इनको कैसे यूज करते हैं और कैसे आपने यूज करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखेगा, वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कॉल को हमें कब यूज करना चाहिए और पुट ऑप्शन को कब यूज करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बेसिक टॉपिक है। अगर आपको कॉल और पुट के बारे में नहीं पता है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए कैसे इनको यूज किया जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा, वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिखा हुआ है और ये हमारा पुट ऑप्शन है और इसके सामने सीई और पीई। तो आपने ये देखे होंगे कॉल और पुट और सीई और पीई, ठीक है। यहाँ पे जो सीई ऑप्शन है इसका मतलब होता है कॉल ऑप्शन यूरोपियन, सी का मतलब होता है कॉल और ई का मतलब होता है यूरोपियन, और पुट में हमें पीई का ऑप्शन मिल जाता है और पी का मतलब पुट होता है और ई का मतलब यूरोपियन, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ये दोनों चीजें आपने यहाँ पे यूज करनी होती है, ठीक है। कॉल आपने कब यूज करना है और पुट आपने कब यूज करना है। तो आपने देखा होगा जब मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर बियर्स है या फिर बुलिश है, दोनों चीजें हमारी यूज होती है। एक होता है बुलिश, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं हम बुलिश मार्केट की लैंग्वेज में, ठीक है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम बियर्स मार्केट की लैंग्वेज में, उसको बियर्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बियर्स होता है और एक होता है हमारा बुलिश, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों मार्केट में यूज होता है, ठीक है, दोनों शब्द। तो बियर्स अगर मार्केट है तो उस टाइम पे हम पुट ऑप्शन को यूज करते हैं, पुट की साइड हम ट्रेड करते हैं। अगर यहाँ पे हम पुट की साइड में ट्रेड लेते हैं और किसी भी ऑप्शन को हम बाय करते हैं तो उस टाइम पे हमें प्रॉफिट होता है अगर मार्केट डाउन जा रहा है, मतलब मार्केट बियर्स है, ठीक है, और अगर मार्केट बुलिश है मतलब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, मार्केट अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो उस टाइम पे हम कॉल की साइड में ट्रेड लेंगे, और अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में जाके किसी भी ऑप्शन को बाय करेंगे तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर आप कॉल साइड में बाय करते हैं किसी भी ऑप्शन को ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है, आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय किया हुआ है और मार्केट आपके अपोजिट चला जाता है, नीचे की साइड चला जाता है, तो उस टाइम पे आपको लॉस होता है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि कब आपने यहाँ पे पुट में बाय करना होता है और कब कॉल में बाय करना होता है। एक बार और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कॉल में उस टाइम पे हम बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर की साइड होता है, मतलब मार्केट बुलिश होता है, और पुट में हम तब बाय करते हैं जब मार्केट बियर्स होता है, मतलब मार्केट डाउन जाता है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूँ अभी, मतलब कैसे आपने बाय करना है। हम मोबाइल की स्क्रीन पे जाएंगे और वहां पे हम प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे कि किस तरह से आपने इसको बाय करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लिया है आपको बताने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक के थ्रू अपना एक डीमैट अकाउंट बना सकते हैं फ्री में, और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। अब दोस्तों आपने यहाँ पे कैसे कॉल में किसी भी ऑप्शन को बाय करना होता है और कैसे पुट में किसी भी ऑप्शन को बाय करना होता है, तो दोनों मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ बाय प्रैक्टिकल। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लिया है, और अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर हमें ऑप्शन मिला हुआ है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और भी कई सारे इंडेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे सेंसेक्स, पी निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या फिर बैंकेस, ठीक है। इन सभी इंडेक्स में आप किसी भी इंडेक्स में ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम निफ्टी 50 को ले लेते हैं, हम निफ्टी 50 को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी निफ्टी 50 का चार्ट है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए तो हमें यहाँ पे जाना होता है ऑप्शन चेन पे, ठीक है। तो सभी इंडेक्स का एक अपना अपना ऑप्शन चैन होता है, सभी इसी तरीके से यूज होते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो हमने निफ्टी 50 को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन चैन के ऑप्शन पे हम जाएंगे, तो जैसे ऑप्शन चैन को हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कॉल का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है और पुट का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर हमें यहाँ पे डेट वाइज ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जून, 13 जून और 20 जून और भी कई सारे डेट हमें यहाँ पे मिली हुई है। ये होता है दोस्तों एक्सपायरी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे निफ्टी 50 है या फिर बैंक निफ्टी है या फिर सेंसेक्स या फिर फिन निफ्टी, ठीक है, ये इंडेक्स है और इनका अलग अलग तारीख में मतलब अलग अलग डेट में एक्सपायरी होता है, लेकिन सभी का वीकली वीकली एक्सपायरी रहता है, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे ऑप्शन बाय करते हैं, जो भी हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो वो डेट के हिसाब से लेना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 6 जून है और यहाँ पे इसके बाद 13 जून है। अगर हम यहाँ पे 13 जून का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो 13 जून को वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 जून तक वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पे लॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हमें यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को बाय करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चार्ट को देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। मार्केट अगर ऊपर की साइड गया, जो मैंने आपको बताया, अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ पे आपने कॉल की साइड में ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट बियर्स है, मतलब आपको लग रहा है कि चार्ट में कि मार्केट अभी नीचे की साइड जा रहा है, तो उस टाइम पे हमें पुट में ट्रेड करना है। सबसे पहले आपने चार्ट को देख लेना है, उसके बाद चार्ट को देखने के बाद फिर आपने यहाँ पे ट्रेड करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे चार्ट देखा और मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉल की साइड जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होते हैं हमारे प्रीमियम, ठीक है, जो हम यहाँ पे कॉल के जो हमारा कॉल का ऑप्शन है इसके नीचे जो मिले हुए ये प्रीमियम होते हैं और ये होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस होता है और इस स्ट्राइक प्राइस के बेस पे हमें यहाँ पे एक प्रीमियम को बाय करना होता है, ठीक है। अब दोस्तों किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखना है आपको यहाँ, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे स्ट्राइक प्राइस है और ये स्ट्राइक प्राइस है और ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन है मतलब प्रीमियम। अगर हम किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं तो उसका प्रीमियम हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो ये कम ज्यादा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जितना आपका कैपिटल है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये इसीलिए ऑप्शन बहुत सारे मिले हुए ताकि आप यहाँ पे अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड कर सको, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे 13 जून का कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदना, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 13 जून के ऑप्शन पे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया 22,700 का, ठीक है। उसके बाद हमें प्रीमियम कौन सा मिला हुआ है, 332 रुपए का प्रीमियम मिला हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रीमियम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पेज ओपन होगा तो हमें यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो हमें यहाँ पे डिलीवरी का और इंटरडे का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी है। यहाँ पे आप देख रहे एक लोट में 25 क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी और इंडेक्स में ट्रेड करेंगे वहां पे भी आपको क्वांटिटी की, वहां पे भी आपको क्वांटिटी वाइज मिल जाएगा हिसाब, ठीक है। तो वहां पे भी आपको क्वांटिटी वाइज ये लोट मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालने के बाद आपने बाय करना है। जैसे आप बाय करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएगा पोजीशन के ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला हुआ है पोजीशन का और जो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप पुट की साइड में ट्रेड लेते हैं तो पुट की साइड में भी सेम आपने वैसे ही करना है। आपने इधर जाना है पुट की साइड, पुट वाले ऑप्शन की साइड जाना है, ये आपको स्ट्राइक प्राइस मिले हुए, इसी स्ट्राइक प्राइस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले प्रीमियम आपको मिले हुए, ठीक है। तो किसी भी एक प्रीमियम को आपने यहाँ से लेना है, तो किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, 22,900 का हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, हमें यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है, जो प्रीमियम हमें मिला हुआ है वो हमें मिला हुआ है 78 रुपए का, ठीक है। 78 रुपए 60 पैसे का हमें ये प्रीमियम मिला हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रीमियम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रीमियम के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेम यही पेज हमारे सामने आ जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं और जो भी आपका प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो आपको शो हो जाएगा। और जब आपका यहाँ पे प्रॉफिट होता है लॉस होता है
और जो भी आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है तो आपने सिंपली एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका जो भी प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो इस टॉपिक पे मैंने फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके उस वीडियो को कम्प्लीट देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कैसे आपने कॉल को यूज करना होता है, कैसे पुट को यूज करना होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे दोस्तों हमारे आने वाले इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, आपका कोई मैसेज है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज दे सकते हैं, वहां पे मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।